हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, थर्ड ग्रेड भर्ती का विस्तृत पाठ्यक्रम आ चुका है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। तो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे लेवल वन लेवल टू के विद्यार्थियों के लिए कि क्या टाइम रहेगा, कितना टाइम आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे उसमें, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। लेवल वन और लेवल टू सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो जो है वह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। विस्तृत पाठ्यक्रम का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट आपको पता होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो देखिए, यहाँ पर परीक्षा की समय अवधि और अंक भार सबसे पहले हम बात करेंगे। लेवल वन हो या लेवल टू हो, परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, यानी एक ही प्रश्न पत्र जो है वो आपसे लिया जाएगा। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, 150 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पेपर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सेकंड ग्रेड की तरह ही यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको बहुत ही ध्यान से जो है वह पढ़ाई करनी है। अब चलिए हम बात करेंगे पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार की। तो परीक्षा के लिए विषय और अंकभार क्या रहेगा, लेवल वन की सबसे पहले हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने सेकंड ग्रेड जीके का पेपर वन का कोर्स लिया है तो उनको यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनको दोबारा से जो है लगभग आपको जो है 80% जो है वो तैयार है आपका। जिन्होंने सेकंड ग्रेड जीके पेपर वन का कोर्स लिया हुआ है तो उन लोगों को दोबारा से उस चीज़ को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही आप पढ़ें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करें हैं, देखिए करते हैं क्लास 1 से 5 तक। तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा सबसे पहला पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। 100 अंक का आपका आएगा लेवल वन का, यानी 300 में से 100 अंक जो है वो आपके ऑलरेडी तैयार हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो भी पॉइंट हैं केवल आपको वही तैयार करने हैं। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र है, जलवायु अपवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, राजस्थान की वन संपदा, ये थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना होगा। वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य, ये भी आपको पढ़ना होगा। मृदाएं, मृदा संरक्षण, राजस्थान की फसलें, ये सब आप कर चुके हैं। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियाँ, जनजाति क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन है, राजस्थान के पर्यटन स्थल हैं, राजस्थान के यातायात के साधन है, ठीक है। वहीं पर हिस्ट्री में हम बात करें राजस्थान की, तो यहां प्राचीन सभ्यताएं जो दी हैं, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, केवल यही आपको पढ़नी है, जैसे सेकंड ग्रेड जीके के फर्स्ट पेपर के लिए आपने तैयार किया है, ठीक है। केवल इतनी ही सभ्यताएं आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं, प्रमुख राजवंश जो हैं, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था इत्यादि, ये आपको पढ़नी है। जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो आपको यहाँ पढ़नी होंगी, यानी दिल्ली सल्तनत के साथ राजपूतों का क्या संबंध रहा, मुगलों के साथ क्या संबंध रहा राजस्थान के शासकों का, राजस्थान की स्थापत्य कला के लिए स्मारक हैं, मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, सांस्कृतिक परंपरा, विरासत है, धार्मिक आंदोलन है, संत, लोक देवता हैं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं राजस्थान के, वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, जनजाति, किसान आंदोलन, कितना डिटेल में आप लोगों को चैप्टर भी पढ़ा चुकी हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज भी आपको करवा चुके हैं, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, यानी जिन बच्चों के पास PDF है तो वो बच्चे जो हैं दोबारा से इसके लिए कहीं और से प्रयास ना करें कि हम कहीं और से जो हैं कंटेंट जो है वो इकट्ठा करें, क्योंकि आपके पास तैयार है, बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद यहाँ पर राजस्थानी भाषा में क्या है, देखिए राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ हैं, ये भी चैप्टर आप पढ़ चुके हो, प्रमुख राजस्थान कृतियाँ हैं, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकारों के नाम हैं, उन्होंने कौन कौन से साहित्य की रचना की है, राजस्थानी संत साहित्य, लोक साहित्य, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 100 मार्क्स आपके तैयार हैं, जो भी सेकंड ग्रेड जीके का पेपर वन का जिन्होंने लिया है, जिन भी बच्चों ने, तो उनका लेवल वन का यदि आप भरेंगे फॉर्म तो उनका 100 मार्क्स पहले से ही तैयार है। हर एक पॉइंट आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यहाँ पर आप देखिए सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम सामयिक विषय है। अब इस 80 मार्क्स में आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है इसमें आपको देखिए राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षण अधिगम के नवाचार हैं,
यानी कौन कौन से शिक्षण अधिगम में जो भी तकनीकी जो भी प्रयोग में ली गई हैं वो सभी पढ़ने हैं यहाँ पर। केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, गार्गी पुरस्कार हैं इस तरीके से। विद्यालय प्रबंधन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट जो है, कौन कौन सी उसमें समितियाँ हैं ये आपको पढ़नी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, केवल और केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़नी है, ठीक है। तो ये क्लियर है आपका। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो यहाँ पर आपको RTE 2009 आपका तैयार है पहले से ही। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, जितने भी पॉइंट हैं आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि अब जो ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार करें, बिल्कुल एक्स्ट्रा ना पढ़ें, जो भी पॉइंट है केवल इतना ही पढ़ें, ठीक है। उसके बाद देखिए सामयिक विषय है राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, तो करंट अफेयर में जो है आपको यहाँ पर जो भी समसामयिक घटनाएं हैं, योजनाएं जो हैं अब राज्य की तरफ से, वो आपको पढ़नी है, बहुत कम पार्ट होता है इसका। अब देखिए विद्यालय विषय में आप क्या पढ़ेंगे, तो 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे, तो सभी सब्जेक्ट चलते हैं 1 to 5 में। तो यहाँ आपको जो है हिंदी, आपने रीट का एग्जाम दिया है, 10 अंक की आपकी तैयार है, इंग्लिश 10 अंक की है, मैथ आपका 10 अंक का है, सामान्य ज्ञान 10 अंक का है, ठीक है। तो ये सब कुछ रीट में भी आपने पढ़ा है, सामाजिक अध्ययन 10 अंक का है, और सामाजिक अध्ययन में भी बच्चों को पहले कन्फ्यूजन था लेवल 1 को कि क्या हमें पूरा SST पढ़ना होगा, यहाँ पर देख लीजिए केवल पॉइंट कौन से दिए हैं, राजस्थानिक परिचय, ये आप राजस्थान GK में पढ़ ही रहे हैं, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था थोड़ा सा ये पार्ट जो है वो लेवल 2 में भी जोड़ा गया है और लेवल 1 में भी जोड़ा गया है, यानी इकोनॉमिक्स आपको थोड़ी सी पढ़नी होगी, ठीक है। और वो आप जो है सेकेंड ग्रेड GK के पेपर 1 में इकोनॉमिक्स तो पढ़ेंगे ही, तो वही चीज़ है यहाँ। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण है, राजस्थान में कृषि है, संविधान, भारतीय संविधान है, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान है। तो हमने जो 6th से 10th तक जो राजस्थान के GK की बुक जो पढ़ी है हमारा राजस्थान की, तो उसमें बिल्कुल चैप्टर दिया हुआ है राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, इतना ही लेवल 1 वालों के लिए पढ़ना है। राजस्थान में लोक प्रशासन, ठीक है, तो ये रहा आपका। नेक्स्ट देखिए शैक्षणिक रीति विज्ञान, तो शैक्षणिक रीति विज्ञान में यहाँ पर जो है हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है, ये 8 मार्क्स की आएंगी, इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ 8 मार्क्स की, मैथ की 8 मार्क्स की, सामान्य ज्ञान की 8 मार्क्स की, सामाजिक अध्ययन की 8 मार्क्स की, ये आपका तैयार है क्योंकि आपने रीट में भी यही पढ़ा था, रीट में भी यही शिक्षण विधियाँ पढ़ी थी। एक शिक्षण विधियाँ जो सब्जेक्ट की होती हैं वही सभी पर अप्लाई होती हैं, बस थोड़ा सा समझ का अंतर आ जाता है, वही निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण है, ठीक है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जब हम शिक्षण करते हैं, तो यह आएगा रीति विज्ञान में। तो यहाँ पर जो है जिन बच्चों को ये था कि रीति विज्ञान हमने नहीं पढ़ा है, बस नाम ही बदल गया है, वही चीज़ है आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए 5th पॉइंट है शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो देखिए जो GK का पेपर 1 है आपका सेकंड ग्रेड का, तो वहाँ पर भी जो आपने पढ़ा है वही ये है, यानी अलग से आप लोगों को इसके लिए कुछ भी तैयार नहीं करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग जो हैं जब कोर्स आप लोग करेंगे तो उसमें भी यही चीज़ होगी, आप लोगों ने जो नहीं किया है वो करवाएंगे, ठीक है। शैक्षणिक मनोविज्ञान देखिए 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें अर्थ क्षेत्र, उसके बाद बाल विकास, बाल विकास में वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम का अर्थ, अधिगम के सिद्धांत, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार हैं, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक हैं, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, अभिप्रेरणा अधिगम में इसका प्रभाव है, समायोजन है। नेक्स्ट 10 मार्क्स के लिए आपको बिल्कुल नया पढ़ना है, यानी इकोनॉमिक्स एक तो आपको राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी है, वो आपके लिए नया रहेगा, राजस्थानी भाषा थोड़ी सी आपको पढ़नी है, सूचना तकनीकी ये आपके लिए बिल्कुल नया है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सूचना तकनीकी आपके 10 मार्क्स की ही आएगी, जिसमें आपको सूचना प्रौद्योगिकी के आधार टूल्स पूछे जाएंगे, कौन से उपकरण होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग यानी कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, और इसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा। अब देखिए कितना आसान रहा है आप लोगों के लिए, इतना बहुत ही सिंपल तरीके से आपका जो सिलेबस जो है यहाँ दे दिया गया है, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल टू के विद्यार्थियों के लिए, तो वही देखिए परीक्षा जो है वो आपकी 300 अंकों की होगी, 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब हम डिटेल में इसके जो है सिलेबस को देखेंगे। तो लेवल टू कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, आप शिक्षक बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ठीक है। तो यहाँ आपके 80 मार्क्स का पूछा जाएगा, बहुत बड़ा पार्ट है आपके, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट है आपके, यानी 80 में से 80 मार्क्स जो है वो आप ला सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जिसने 6 से 10 तक जो हमारा राजस्थान की बिल्कुल वन लाइनर सीरीज जो है वो ले रखी है, तब भी आपका ये कंप्लीट होता है। और जिस बच्चे ने सेकेंड ग्रेड GK के पेपर 1 का कोर्स लिया हुआ है, वहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल ग्रेजुएशन तक का मैंने आपको डिटेल में करवाया है राजस्थान का GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो वो भी अगर आप कर रहे हैं, आपने कोर्स लिया है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा जो लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए, वही लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस है, लेकिन वहाँ 100 मार्क्स का है, यहाँ आपका 80 मार्क्स का है। भूगोल में देखिए राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र, जलवायु है, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ, तकनीकियाँ। सेकेंड ग्रेड GK के पेपर 1 का जो कोर्स है, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उन्हीं बुक से जो है वो मैंने आप लोगों को करवाया है, जो कि स्कूल्स में चल रही हैं, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले से बोला था कि आप लोग फोकस सबसे ज्यादा करिए सेकंड ग्रेड GK पेपर 1 पर। आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम जो है 80% आपका जो है एकदम कंप्लीट आपका तैयार है, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि सेकंड ग्रेड के कोर्स आपने लिया है, अब अलग से ही जो है थर्ड ग्रेड के लिए जो है आप अलग से नोट्स बनाए राजस्थान GK के, वही रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज ना करें। राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, तो बिल्कुल मैंने आपको कोर्स में जो सेकंड ग्रेड GK के पेपर 1 का कोर्स है, वहाँ आपको बिल्कुल पॉइंट जो है, यानी वन्य जीव जंतु है, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य है, इनको बिल्कुल डिटेल में कराया है, बिल्कुल सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट करवाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराया है, जो सिलेबस में है वही करवाया है। मृदाएं और मृदा संरक्षण है, राजस्थान की फसलें हैं, राज्य जनसंख्या है, जनजाति जनजाति क्षेत्र हैं, धात्विक अधात्विक खनिज है, ऊर्जा संसाधन परंपरागत गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल हैं, राजस्थान में यातायात के साधन हैं। उसके बाद देखिए इतिहास और संस्कृति जो है वही आपकी लेवल 1 में जो पूछी है, सेकेंड ग्रेड में जो पूछी है, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल, बैराट, ये आपको पढ़ना है। ऐतिहासिक घटनाएं राजस्थान की जो है, प्रमुख राजवंश हैं, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है, राजस्थान की स्थापत्य कला के लिए स्मारक, बावड़ी, हवेली, मेले, त्यौहार, लोक कला, यानी पूरा जो राजस्थान का कल्चर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोक नाट्य, लोक नृत्य, सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, धार्मिक आंदोलन है, प्रमुख संत, लोक देवता हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण हैं, राजस्थान की चित्रकलाएं, हस्तशिल्प है, 1857 के अंतिम राजस्थान का योगदान है, जनजाति, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान रहा है आप लोगों के लिए। देखिए हर चीज़ जो है वो बताई जाती है चैनल पर, कि आप लोग जो है जो भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, अलग से जो है वो आप नोट्स ना बनाएं, जो भी आपने तैयार किया है इसी में थोड़ा ऐड करते हुए चलें। यदि आप कोर्स भी लेते हैं किसी का, तो आपने जो कोर्स लिया है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, यानी सेकंड ग्रेड GK पेपर 1 का जिन बच्चों ने कोर्स लिया है, तो अलग से थर्ड ग्रेड का कोर्स ना खरीदें। जो भी पॉइंट आपने नहीं किए हैं केवल उनके लिए आप प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद देखिए राजस्थानी भाषा, वही आपकी राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, सेकंड ग्रेड GK पेपर 1 में आपको राजस्थानी भाषा का पूरा करवाया है मैंने, सभी जो है क्षेत्रीय बोलियां करवाई हैं, प्रमुख राजस्थानी कृतियां हैं, राजस्थानी साहित्यकार हैं, राजस्थानी संत साहित्य, लोक साहित्य, ये डिटेल में करवाया है हर पॉइंट, यही आपके सेकंड ग्रेड GK पेपर 1 में है। अब देखिए 50 मार्क्स का आपका जो पूछा जाएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान में, देखिए यहाँ पर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राज्य सरकार की फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं, राजस्थान के अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रमुख नगर स्थल, उद्योग, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। नेक्स्ट है शैक्षिक परिदृश्य में, देखिए शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन संबंधित समितियां हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वही RTE 2009 है,
राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, यहाँ पर जो नियम है 2011 के, और राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। सामयिक विषय में देखिए, समसामयिक जो घटनाएं हैं राजस्थान के संदर्भ में, योजनाएं हैं, अन्य समसामयिक विषय हैं, यानी करंट अफेयर पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, यानी आप जिसके अध्यापक बनोगे केवल आपको उसी सब्जेक्ट का पढ़ना है, यानी जो भी जो बच्चा हिंदी का बनेगा टीचर तो हिंदी का सिलेबस जो है वो देख लें आप अच्छे से, ठीक है, डिटेल में जो आपने रीड में पढ़ा है वही है सब कुछ। नेक्स्ट इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश में भी वही है, यानी जो स्कूल्स में बुक चल रही हैं आप उन पर फोकस करें। जो भी आपका सब्जेक्ट है 120 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं यदि आप बहुत अच्छे तरीके से स्कूल की बुक को पढ़ जाएंगे। अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। संस्कृत का है, सिंधी है, अभी आप सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है बहुत आराम से दें और थर्ड ग्रेड की तैयारी जो है वो साथ में आपकी चलती रहेगी। जितना भी आपको टाइम मिलेगा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बीच में, तो वहाँ आप जो 20% आपका तैयार नहीं है उसे आप तैयार कर लेंगे। गणित और विज्ञान का देखिए, जो भी मैथ साइंस के बच्चे हैं, अब हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन की, डिटेल में करेंगे इसकी बात। देखिए, प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन धर्म, महाजनपद काल। अब देखिए, RBSC की जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है तो उनको यहाँ पर कितना फायदा होगा, हर पॉइंट जो है वो आपको RBSC की बुक में मिलेगा। कई बच्चे बोल रहे थे मैम RBSC बुक का कोई फायदा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल आपके पास आपने जो PDF ले रखी है उसका ही आप भरपूर फायदा उठाएं यहाँ पर, ठीक है। जिन बच्चों ने 499 में सामाजिक अध्ययन का जो है कोर्स लिया हुआ है SST का रीट में, वही आपके यहाँ पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि वो भी डिटेल में करवाया है मैंने, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज की आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो भी स्कूल में बुक चल रही हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक एक लाइन जो है क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको करवाई है, तो वही आपकी यहाँ पर आएगी। यानी कि प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, 6 से 10 तक की यदि आप देखेंगे तो वहाँ आपको डिटेल में मिलेगा। और जो आपके पॉइंट 6 से 10 में नहीं है तो 11th 12th में आप देख सकते हो। 11th 12th की बुक का सहारा आप कब लेंगे, जब जो पॉइंट आपको यहाँ पर ना मिले, लेकिन 6 से 10 तक में आपको मिल जाता है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का धम्म अभिलेख। देखिए, सेकंड ग्रेड के यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक की बुक का सहारा लेंगे, और यहाँ आप 10th तक तो डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल 6 से 10 तक जो है डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड ग्रेड के लिए। और जो पॉइंट सिलेबस में 6 से 10 में नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए आप 11th 12th की बुक का सहारा लेंगे SST के लिए। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का विस्तार है, मुगल साम्राज्य, राजपूत राज्यों के साथ संबंध, बिल्कुल RBSC की बुक में आपको डिटेल में मिलेगा ये सब कुछ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश, देशांतर, वायुमंडल संगठन, संरचना, पवने, वायुमंडलीय संचरण, महासागर, ज्वार भट्टा धाराएं, जल थल वितरण, संसार की प्रमुख वनस्पति, वन्य जीव, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, विश्व कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। ये पॉइंट थोड़ा नया है, विश्व कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉलिटी है आपकी, पॉलिटी मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दी है, इतने अच्छे तरीके से करवा दी है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, चाहे सेकंड ग्रेड GK का Paper 1 आपने कोर्स लिया है, चाहे आपने जो है हमारे साथ RBSC की जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज की है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय संविधान मैंने आपको बहुत अच्छे से विशेषताएँ, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य ये पढ़ाया है, सरकार का गठन और कार्य जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो सरकार के गठन के 3 अंग होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिसने बिल्कुल ये चीज़ आप मानिए कि GK Paper 1 का सेकंड ग्रेड का जो कोर्स लिया है तो यहाँ डिटेल में पढ़ने के बाद आपके कुछ नहीं बच जाता। स्थानीय स्वशासन है यहाँ पर, 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत है, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्था जो है, केंद्र और राज्य संबंध है, भारतीय अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स का पार्ट आपके लिए नया होगा। यानी कि जो आपके अभी रीट का एग्जाम हुआ है इसमें आपके इकोनॉमिक्स हटा दिया गया था, लेकिन इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स आपके था, यानी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज में जो इकोनॉमिक्स का पार्ट दिया था बैंकिंग से संबंधित, वो भी आपके काम आ जाएगा। अब देखिए, इकोनॉमिक्स का जो है वो आप तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है बिल्कुल नया है, कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नया होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता, खाद्य सुरक्षा, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 11th 12th की बुक में।
मुद्रा और बैंकिंग है, मुद्रा के आधुनिक रूप हैं, साख की विभिन्न स्थितियां, स्वयं सहायता समूह, ये सभी पॉइंट जो हैं 11th 12th की बुक में आपके इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें दिए हुए हैं। उपभोक्ता के अधिकार हैं, उपभोक्ता और उसके अधिकार हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास, राजस्थान में कृषि और एवं विपणन, कृषि उपज मंडी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसके लिए आप 11वीं 12वीं की जो बुक है उसका सहारा लेंगे। डिटेल में ये दिए हुए हैं जो भी पॉइंट, जैसे कि आपको विश्व व्यापार संगठन पढ़ना है WHO, तो आप जो है बिल्कुल यही पॉइंट वहाँ पर पढ़ें, ठीक है। मुद्रा के जो आधुनिक रूप हैं आपको पढ़ने हैं तो आप 11, 12 की बुक का सहारा लें। शैक्षणिक रीति विज्ञान आपके जो है 20 मार्क्स का आएगा, आपके तैयार है। जो बच्चे हिंदी के हैं, जो हिंदी से फॉर्म जो है भरेंगे, तो यहाँ पर जो है हिंदी की शिक्षण विधियाँ आपको देखनी है, भाषाई कौशल, यानी कि शैक्षणिक रीति विज्ञान तो सभी बच्चों का तैयार है, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ है जो आपने रीट में पढ़ी है। आप देख लीजिए डिटेल में, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां हैं, भाषाई कौशल हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम हैं, चुनौतियां हैं आप जो भी शिक्षण में आती हैं, सहायक सामग्री हैं, मूल्यांकन विधियां हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश का है, संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं, यानी जो भी बच्चे जिस सब्जेक्ट के लिए जो है टीचर बनना चाहते हैं, फॉर्म भरेंगे जिसका, तो केवल उनको उसी के संदर्भ में जो है वह बात करनी है। शिक्षण विधियां जो है सभी में समान होती हैं, बस उस सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन की देख लीजिए, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ हैं, अधिगम सहायक सामग्री हैं, इसका कैसे उपयोग होगा इन सहायक सामग्रियों का, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की मूल्यांकन विधियां हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है। बिल्कुल डिटेल में मैंने जो है यहाँ पर बात की है, तो आपको भी जो है डिटेल में हर पॉइंट देखना है, यानी 2 दिन तक तो आप लगातार जो है सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लीजिए, कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, कौन से हमको पढ़ने बाकी हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है 20 अंक का है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र कार्य हैं, बाल विकास, वंशानुक्रम, वातावरण है, यानी जिन बच्चों ने केवल रीट का साइकोलॉजी का कोर्स लिया है, जिन्होंने रीट साइकोलॉजी का ही केवल कोर्स लिया है, तो यहाँ आपका बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अच्छे से तैयार है उन बच्चों का। अब देख लीजिए यहाँ पर बाल विकास डिटेल में मैंने आपको करवा दिया है, उसमें वंशानुक्रम, वातावरण, व्यक्तित्व, जिन बच्चों ने PDF ले ली है, बुद्धि है, अधिगम का अर्थ है, सिद्धांत, प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, कठिनाइयाँ हैं, अभिप्रेरणा, अधिगम में इसका प्रभाव है, समायोजन है। अब देखिए जो लेवल 1 में है 10 मार्क्स का सूचना तकनीकी, वही लेवल 2 वाले बच्चों के लिए है, नया है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, नाम से बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ही आसान है सूचना तकनीकी। तो इसके आधार हैं, उपकरण हैं, इसका क्या जो है अप्लाई कैसे करेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिटेल में आपका जो है सिलेबस आया है, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि आप NCERT से पढ़ेंगे या RBSE से पढ़ेंगे, यानी आपको RBSE और NCERT दोनों ही यहाँ पर जो है लेकर चलनी है, आपकी तैयार है। मैंने आपको RBSE NCERT की PDF जो है वो अवेलेबल करवाई है, ठीक है। अब किसी भी प्रकार की जो है वो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि हम लोगों के पास जो है नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में जो है वो आपको सोचना है, जो आपके पास है उसको आप जो है वो बार बार रिवाइज करिए। जिन बच्चों ने PDF नहीं ली है, जिन बच्चों ने सेकंड ग्रेड का GK का पेपर 1 का कोर्स नहीं लिया है, वो बिल्कुल खरीदें। क्यों खरीदें? क्योंकि देखिए 2 दिन तक तो ऑफर ही निकाला गया है, इसका भरपूर आप फायदा उठाएं, क्योंकि वहाँ पर शैक्षणिक मनोविज्ञान आपको एज इट इज़ ऐसा ही मिल जाता है, सभी पॉइंट, यानी आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है कि व्यक्तित्व का जो है वो आप संकल्पना ढूंढें, प्रकार ढूंढें, वहाँ मैंने आपको डिटेल में करवाया है, यही पॉइंट आपके सेकंड ग्रेड GK पेपर 1 में है। तो जो बच्चे लेवल 1 के हैं उनको भी सेकंड ग्रेड GK पेपर 1 में फ़ायदा है, और जो बच्चे लेवल 2 के हैं उनको भी फ़ायदा है, यानी एक जगह आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, 2 एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अब देखिए राखी का जो त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसमें ऑफर निकाला गया है, जो भी बच्चा लेना चाहे, जो भी इच्छुक है वो ले सकता है सेकंड ग्रेड GK पेपर 1 का कोर्स, और जो बच्चा RBSE की जो 6th से 10th तक की जो बुक है आपकी, जो कि सामाजिक अध्ययन के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा हमारा राजस्थान जो GK का पूरा पार्ट लेवल 1 में 100 मार्क्स का है और लेवल 2 में 80 मार्क्स का है, वो आपके बिल्कुल डिटेल में तैयार हो जाएगा। इसके बाहर जो आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला, अभी हाल ही में आपने रीट का एग्जाम दिया, एक सिंगल क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन का बाहर नहीं गया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप लोगों के लिए थी,
और जो भी बच्चा इच्छुक है सेकंड ग्रेड जीके पेपर वन का, और ऑफ़र है 2 दिन का ऑफ़र है, इसका आप फ़ायदा उठाइए, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी जीके पेपर वन सेकंड ग्रेड का कोर्स लेगा तो मानिए उसको थर्ड ग्रेड का कोर्स जो है कहीं से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी पॉइंट आपके बच जाएंगे बस उनको ही आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप लोगों के लिए। तो रक्षाबंधन के त्यौहार की जो है हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों के लिए। थैंक यू।